अगर आप हैदराबाद में रहते हुए मजेदार किस्म की सस्ती फिश खाना चाहते हैं, या आप खाना चाहते हैं दूध जलेबी, या आप खाना चाहते हैं कढ़ाई की टक्कर वाली चने की दाल, तो ये वीडियो फिर आपके लिए। आज मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ हिडन फूड जेम्स। आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू। मेरा नाम शीश वाली, अभी मैं फिर से मौजूद हूँ हैदराबाद में। आज जो भी मैं हैदराबाद के आपको बड़े ही मजेदार किस्म के खाने खिलाने वाला हूँ। अभी मैं मौजूद हूँ एशिया के सबसे बड़े बाजार शाही बाजार में। शाही बाजार जो है ना हैदराबाद का बहुत मशहूर एरिया है, और मतलब पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मशहूर एरिया है। यहाँ पे भाई है अजान फिश पॉइंट, वहाँ पे भाई बड़ी कोई सस्ती किस्म की और बड़ी कोई मज़ेदार किस्म की फ़िश मिलती है। इनके पास दो तीन किस्म की फ़िश होती है, कबाब होते हैं। और देखते हैं अभी हम लोग आगे कहाँ जाते हैं, अभी इनके पास चलते हैं, फ़िश इनकी ट्राई करते हैं। मुझे एक मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने रेकमेंड करी भाई ये फ़िश ट्राई करें, तो इनकी फ़िश ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश। अच्छा ये बताएं कल कितना टाइम हो गया आपको मछली बेचते हुए? 3 साल हो गए मेरे को। और ये बताएं कि आपकी मछली के प्राइस इतनी कम क्यों? क्योंकि हैदराबाद में आपको और भी जगह मछली मिलेगी, लेकिन उसके प्राइस जो होते हैं थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, तो क्या पाओ ऐसी मछली आपके पास? हमारे पास होती है 250 रुपये पाओ फिंगर। 250 रुपये पाओ है? 280 रुपये पाओ कर दिया अभी। 250 रुपये होती है हमारे लिए। वैसे 280 कर। हाँ ये और ये कौन सी है? संगरा। ये संगरा ये 300 रुपये पाओ। ये 300 रुपये पाओ है। और कबाब है 23 रुपये का मच्छी का। ये 30 रुपये का शामी कबाब है। हाँ, और गोला कबाब है मच्छी का 50 रुपये का। भाई आपने सीख कबाब गोला कबाब तो आपने चिकन के बीफ के मटन के देखोगे, लेकिन फिश के कबाब आपको कहीं कहीं मिलते हैं, शायद एक दो जगह मिले हो सकते हैं हैदराबाद, क्योंकि मैंने एक जगह खाए थे हैदर चौक के वहाँ। सिर्फ अब्दुल्ला फिश पॉइंट पे या मेरे पास होता है गोला कबाब। क्या होता है इसके अंदर? के अंदर फुल मच्छी होती है। फिर मछली होती है, दाल वाल कुछ नहीं होती? नहीं, ये अच्छा। शामी दाल से रुकता है सिर्फ। ये कितने का है? ये 30 रुपये का है। और ये? ये 50 रुपये का है। ये 50 रुपये का है, 30 रुपये का है और ये 50। और ड्रिल मिर्ची होती है सीख वाली मछली, वो 50 रुपये की होती है, वो 280 रुपये पाव होती है। अच्छा भाई, इनके पास वैरायटी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी और प्राइस कम मिल जाएगी, ये अच्छी बात है। कहाँ देखते हैं मेरी वीडियो? कहाँ देखते हैं? यूट्यूब पे। अच्छा यूट्यूब पे देखते हैं भाई। ये भी मेरे पास आया, अभी ये ब्लॉग शूट कर रहा था यहाँ पे, वही कह रहे मैम ये भी देखते वीडियो। ये ठीक है, शुक्रिया भाई। हमारे पास भाई फ्राई फिश जो है वो आ चुकी है, साथ में हमारे पास ना एक गोला कबाब है और एक है ये शामी कबाब। ये गोला कबाब लग नहीं रहा है, लेकिन ये लग रहा है ऐसी कबाब। और आपने कबाब तो बहुत किस्म के खाए होंगे, लेकिन जो आपको गोला कबाब फिश का कबाब है ना, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा हैदराबाद में मुझे लगता है। एक दफ़ा मैंने हैदर चौक पे खाया था, पहले मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, शायद मुझे याद है बचपन में मैंने वीडियो बनाई होगी। और ये देखें, ये है भाई गोला कबाब, और मतलब फिश से फुल बना हुआ है, जैसे बाकी सीख कबाब और गोला कबाब होता है बाकी। ये देखें, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, बेईमानी नहीं है भाई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चटनी के बगैर हम इसको ट्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा इतना कोई मज़ेदार किस्म का टेस्ट है। अच्छा कुछ मछलियों में ना थोड़ी सी स्मेल आ रही होती, हीक टाइप आ रही होती, लेकिन ये जो गोला कबाब बनाया है ना इनमें एंड कर दिया। अगर ये मैं थोड़ा दूर रहता हूँ यहाँ पे छोटी गट्टी से, अगर ये छोटी गट्टी पे मैं अगर रहता हुआ ना, तो ये मैं डेली खाऊँ, इतना मज़े का कबाब है। सी कब गोला कबाब जो है ना बहुत आला है। अब उसके बाद मैं ट्राई करूँगा ये है भाई शामी कबाब। ठीक है, ये देखें, ओए होए फुल रेशेदार और ज़बरदस्त किस्म का। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, धुएँ देख रहे हैं आप? VIP बहुत आला। ये फिश का है भाई, ये भी फिश का है। ठीक है, इसके अंदर ना आपको फिश और वो जो है अपना चने की दाल मिल जाएगी, चने की दाल और फिश का बना हुआ। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारे पास ये फिश आ चुकी है, एक संगड़ा है और एक है भाई फिंगर फिश। ठीक है, सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा फिंगर फिश। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये साथ बहुत आला, बहुत बेहतर। अच्छा ये जो चटनी है ना, ये इस मछली को 4 चांद लगा रही है। वैसे 3 चांद तो मछली में ऑलरेडी लगे हैं कुदरती, लेकिन ये जो चटनी है ना, ये तो 4 चांद लगा रही है। अब हमारे पास जो है ये संगड़ा आ चुकी है, ये अच्छा आई थिंक संगड़ा है, ये रहा संगड़ा। ये संगड़ा मैं ट्राई करूँगा, फुल क्रिस्पी ज़बरदस्त किस्म की। ये देखें,
टेस्ट जिसका अच्छा है ना वो संगड़ा का अच्छा है, बड़ा मज़ेदार किस्म का टेस्ट है और संगड़ा फिश इतनी अच्छी लगी। अगर आप आ रहे हैं ना, एक तो ये सीख शामी कबाब और एक गोला कबाब और एक आपने संगड़ा फिश, ये लाजमी ट्राई करने, ये अगर आपने ट्राई कर लिया आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। अभी हम लोग आगे चल रहे हैं, आगे देखते हैं आगे क्या ट्राई करते हैं। भाई मछली मैंने ट्राई करी, मछली जो होती है बहुत प्यारी थी, उसका टेस्ट जो था वो बहुत आ रहा था, मतलब एक कहावत भी है वो छोटी दुकान बड़े पकवान, वही वाला सीन था यहाँ पे। अभी इसके बाद हम लोग जा रहे हैं दूध जलेबी खाने, और ये जो दूध जलेबी ना बिल्कुल एक अलग किस्म की, मतलब मैं जो है दूध जलेबी फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगा, देखते हैं उसका जायका कैसा है, क्योंकि जलेबी तो सभी ने खाई होती है लेकिन दूध और जलेबी एक अलग ही जायका बनेगा, तो वो जायका हम लोग चखने के लिए जा रहे हैं अभी किले हम लोग किले जा रहे हैं। अभी हम मौजूद शाही बाज़ार में, किला जो है यहाँ से थोड़ा सा आगे ही है, और चलते हैं वहाँ और देखते हैं क्या सिस्टम बनता है। भाई आज जो है हम लोग सर्दियों का सारा खाने खाते हुए आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने खाई फ़िश, और अभी हम मौजूद हूँ पक्का किला शाही बाज़ार पे। अभी हम लोग ट्राई करेंगे दूध जलेबी। भाई दूध जलेबी जो है ना एक बिल्कुल ही यूनिक एक्सपीरियंस है, आज तक मैंने किया नहीं है, आज मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगा। वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ये है भाई अल जमील रबड़ी के ऑनर, ठीक है। अच्छा ये बताएं यार, दूध जलेबी कब से स्टार्ट करी और कैसे स्टार्ट करी? दूध जलेबी सर हमने 1948 से स्टार्ट करी है, 1948 से, परदादा के टाइम से। अच्छा ये शायद इसमें ये पक्का किले पे ही था जब से? जी हां जी हां, जब से। अच्छा इनके परदादा हैं, दादा परदादा ने स्टार्ट करी थी, ठीक है। और क्या क्या होता है आप लोगों के पास? हमारे पास दूध होता है, लस्सी होती है, लस्सी होती है, बोतल होती है, रबड़ी होती है, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताऊँ, पक्का किले की जो रबड़ी है वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, ठीक है। सबसे फेमस जो है हमारी रबड़ी है, ठीक है, और काफ़ी सारे रबड़ी वाले हैं, मतलब ये जो है ना रबड़ियों का गढ़ है एक साल, ठीक है। तो आपकी रबड़ी मशहूर है पूरे पाकिस्तान में? मशहूर है। अच्छा जी हाँ, पूरे पाकिस्तान के लोग लेने के लिए आते हैं, स्पेशली हमारी जो है ना लस्सी भी मशहूर है बहुत। अच्छा अच्छा, जो है भाई दूध जलेबी बनने लगी, सबसे पहले ये जलेबी डालेंगे। अच्छा जलेबी इसमें कितनी आती है? कितना? एक पाव। और जलेबी जो है फुल क्रिस्पी है, मतलब कुछ जलेबियाँ नरम हो जाती है लेकिन जलेबी फुल क्रिस्पी है। ये देखा भाई दूध आ गया, ओए ओए खुशबू जो आ रही है ना वो सारे पैसे पूरे कर दिए, ठीक है भाई। अब इसमें आएगी थोड़ी सी शक्कर कम डालिएगा, मीठी होती है ऑलरेडी जलेबी, ठीक है। अब इसको थोड़ा पीटा जाएगा, इसको पीते खाते क्या करते हैं? चमचे से खाते हैं। अच्छा ये देखा उसको पीट दिया, अब इसमें मलाई डालेंगे ऊपर से, मलाई की आप तय चेक करें, ये देखें कितनी बड़ी तय है भाई मलाई की, ज़बरदस्त भाई। अब ये देखिए ये कप की इसमें बाउल में, ये देखिए, और ये तैयार। अब इसके ऊपर ये मलाई आई है, ये देखिए चेक करें मलाई आपके ऊपर, और मलाई आएगी, ये देखिए मलाई आ गई। इसे कितने का बाउल है? ये भाई 90 रुपये का आपको बाउल दिया जाएगा, ठीक है। ट्राई करूँगा पहली दफ़ा ज़िंदगी में, और ये आपको कहीं भी ज़्यादा मिलेगी भी नहीं हैदराबाद में, मुझे लगता है शायद पहली जगह है जो यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। मलाई डाली भी इन्होंने, ठीक है, भरी भी, और यहाँ पे जो माहौल था ना उसको देख के बस मुझे लाहौर याद आ गया, जैसे जेदा लस्सी में जो फुल माहौल बना हुआ था ना वही वाला यहाँ माहौल था भाई। जेदा लस्सी वाली फायदे जो थी ना वो मेरी पूरी हो गई, मैं इसको ट्राई करूँगा। जलेबी इसमें मलाई है, ठीक है भाई, ये देखें ट्राई करूँगा। ओए ओए फुल मज़ा, दूध जो है ना वो फुल पका हुआ है, और जलेबी जो है ना फुल क्रिस्पी है, इतना कोई मज़ेदार किस्म का टेस्ट आ रहा है। और मैं सोच रहा था कि ये ना बहुत ज़्यादा मीठी होगी लेकिन मैंने शक्कर कम डलवाई थी और बिल्कुल भी ज़्यादा मीठी नहीं। चेक करें आप, ये बहुत आला यार, पैसे पूरे हैं यार यहाँ। आज जो बच्चा मुझे मिल रहा है ना वो कह रहा है मुझे ब्लॉग मिलो, क्या नाम है आपका? हसन। जी आपके क्या नाम है? अब्दुल्ला। हसन और अब्दुल्ला भाई आ गए आप लोग ब्लॉग में, ठीक है। बस खुश लेकिन कैसे अंकल? वालेकुम अंकल, ये बताए कितने टाइम से खा रहे हैं अभी दूध जलेबी? तकरीबन 30 साल से ज़्यादा खा रहे हैं। और अंकल भाई दूध जलेबी के साथ जवान तो नहीं है आप? जवान तो हम बूढ़े हुए ही नहीं हुए। नहीं अंकल ने मान लिया, चले नहीं मान रहे ना, बूढ़े नहीं बूढ़े हुए ही नहीं है, मान क्यों? मानता तो जो चीज़ होती है, यही सही बात है, चलो सॉरी, जो हकीकत होती है उसको मानता है। चले वैसे वैसे लोग क्या बोले, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल खाना चाहिए, अगर मैसर है तो हर हलाल चीज़ खाना चाहिए। भाई दूध जलेबी जो है मैंने ट्राई करी, और अभी हम लोग ट्राई करी थी फिश जो होती है वो तो दिल ले चुकी, दूध जलेबी जो था वो भी दिल ले चुका है, मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ेदार किस्म का जायका था। अगर आप ये जायका चखना चाहते हैं तो अल जमील रबड़ी पे आप लोग आ जाएं,
ये पक्का किला और शाही बाजार के बीच में आपको मिलेगा। ठीक है, हाजी रबड़ी से आप जब सीधे आएंगे तो आपको दो चार दुकानें छोड़नी पड़ेंगी, उसके बाद आपको मिल जाएगा अलजमी। अभी हम लोग जा रहे हैं एक और जगह पे जहाँ पे बड़ी मज़ेदार किस्म की एक और चीज़ हम लोग खाएंगे, तो वहाँ चलते हैं। और ये दो एक्सपीरियंस होते हैं वो तो दिल ले चुके हैं, अभी मेरे पास दिल मेरा है नहीं, चलते हैं और देखते हैं क्या सिस्टम बन रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी, सखी जी निशानी दिए नूराने। अब भाई आपका भाई नंबर 10 पे बिस्मिल्लाह फ्राई सेंटर पे, ये आपको मिलेगा जफर लस्सी के सामने। यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे इनकी फ्राई चने की दाल। इनके पास जो है आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कलेजी फ्राई और कढ़ाई और चने की दाल और बहुत सारी दालें और लोबिया और छोले फ्राई, काफ़ी सारी चीज़ें इनके पास आपको मिल जाएंगी। लेकिन हम जो ट्राई करेंगे इनकी स्पेशलिटी जो है वो है चने की दाल। वालेकुम आजाद भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह करम। ये बताएं यार, बिस्मिल्लाह फ्राई सेंटर को कितना टाइम हो चुका है? तकरीबन लगभग 20 साल होगा इसको, 20वां साल है माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं क्या क्या होता है आपके पास? मेरे पास हाजिर के अंदर चने की दाल, माश की दाल, मूंग की दाल, लोबिया, छोला, चिकन कलेजी, चिकन कीमा, बीफ कीमा, मुर्गी। इन्होंने वो वाला मेन्यू बोला जैसे हाईवे पे वेटर ने बोलते हैं, तो याद करा हुआ है क्या आपने? अच्छा ये बताएं स्पेशलिटी क्या है आपकी? अपने पास स्पेशलिटी के अंदर दालें होती हैं, चने की दाल, माश की दाल। मैंने आपकी चने की दाल की बहुत तारीफ सुनी है, तो इसलिए मैं अभी जो ट्राई करूँगा वो चने की दाल, चने की दाल ट्राई कराएंगे आपको अल्लाह के तुम। और ये देखें भाई, लकड़ी पे बन रहा है खाना और इसका जो जायका होगा बहुत मज़ेदार किस्म का होगा। यहाँ पे भाई रोटियाँ बननी, क्या हाल है? ठीक है, क्या नाम है आपका? लियाकत। कहाँ से आप? थर से। अच्छा भाई, ये बननी चपाती, ये कौन सी फरमाइश है? सादी चपाती बन गई। हमारे पास भाई चने की दाल जो है वो आ चुकी है और बहुत ही मज़ेदार तरीके से भाई इसको बनाया है, फ्राई है, मतलब आग वाग निकाल के इसको बनाया है, मैं इसको ट्राई करूँगा। अच्छा ये जो बिस्मिल्लाह की फ्राई दाल है ना, बहुत ज़्यादा मशहूर है, ऊपर मिर्चें वगैरह डाली हुई साथ में रहता है, बड़े कोई मज़ेदार किस्म का सीन लगा हुआ है। तो हम लोग हरी मिर्च जो है खाली खा लेंगे और ट्राई करेंगे सबसे पहले चने की दाल। ये देखें, ओए होए होए होए, खुशबू जो है बहुत वी आई पी आ रही है, मैं इसको ट्राई करूँगा। रायता लगा बिस्मिल्लाह भाई, वी आई पी इतना कोई VIP टेस्ट है, मतलब आप अगर आपके अगर मामला ठीक नहीं चल रहे कढ़ाई के, तो आप चने की दाल खा लेना, तो आप कढ़ाई वाले मज़े ले लेंगे। बहरहाल चने की दाल जो है ना वो बहुत VIP लेवल का जायका है, और मतलब जो अगर आपने इसकी सलातीन की शनवारी की आपने कढ़ाइयाँ वगैरह खाई हैं, सेम वही वाला टेस्ट है, और लग नहीं रहा कि कोई महाजर इंसान यार ये कढ़ाई बना रहा है, लग रहा है कि पठान के हाथ की आप कढ़ाई खा रहे हैं। बहरहाल कढ़ाई ये जो है ना चने की दाल बहुत आला है, ये देखें भाई VIP पैसे पूरे हैं भाई। ये थे हैदराबाद के आज कुछ मज़ेदार किस्म के खाने, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पेज पर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं रील्स वगैरह डालता रहता हूँ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।